जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका एस एस बी क्रैक एग्जाम्स में आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर दी पर्सपेक्टिव ऑफ दी एन डी एग्जाम ओके तो इसमें अक्सर छः छः क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं तो देखिए हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्री फॉल वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल मास वर्सेस वेट फ्लुइड्स बी ओ एन सी आर्कमिडीज प्रिंसिपल लॉ ऑफ फ्लोटेशन डेंसिटी सेटेलाइट और बाइटल वेलोसिटी टाइम एंड हाइट ऑफ सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पोलर सेटेलाइट वेटलेसनेस थ्योरी ऑफ प्लेनेटरी मोशन एंड कैपलस लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से तो ये लॉ हमको बताती है कि हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है अट्रैक्ट करता है विद ए फोर्स है ना और वो फोर्स हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये किसके बराबर आती है ये आती है एक तो आपके पास कॉन्स्टेंट है मल्टीप्लाइड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस यानी कि जिन दो ऑब्जेक्ट के बारे में या जिन दो बॉडीज के बारे में बात कर रहे हैं हम उन दोनों बॉडीज के बीच कितनी फोर्स है तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनका कितना मास है सो so, एक का मास कैपिटल एम ले लेते हैं एक का मास स्मॉल एम ले ले लेते हैं फोर्स और किस बात पर डिपेंड करेगी कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है तो अगर इनके बीच में डिस्टेंस आर है तो आर स्क्वायर डिवाइड कर दीजिए तो इतनी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में यानी कि अगर आपके पास ए ऑब्जेक्ट है और बी ऑब्जेक्ट है वो अगर डी डिस्टेंस से सेपरेट हैं तो इनके बीच में जो फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर और ये जो कैपिटल जी होता है इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस टू दावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ये इसकी वैल्यू होती है ये फिक्स रहती है आप कहीं पर भी चले जाएंगे इस कैपिटल जी की वैल्यू यही रहनी है चेंज नहीं होनी है तो अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट एम वन मास का एक ऑब्जेक्ट एम टू मास का है उनके बीच डिस्टेंस डी है तो आपके पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है दैट इज गिवन बाय दी जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर ओके इस ये जो है एक तरीके से आपको बता दे रही है कि कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तो ये इस तरीके से जो अगर हम स्टेटमेंट देखें तो वो ये कहती है दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब कि ये बस ये बात बोलती है कि प्रोपोर्शनल है मासिसज के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच के डिस्टेंस uh, के स्क्वायर के बराबर ओके okay. सो so, इस तरह को कंबाइन करके हम लोग एक कांस्टेंट ले आते हैं जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ओके अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसकी क्या इम्पोर्टेंस है देखिए हम लोग जो अर्थ पर टिके हुए हैं वो भी हम किस वजह से टिके हुए हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो ग्रेविटेशनल uh, फोर्स हो ये हो वरना हम लोग क्या है हवा में तैरेंगे सो वी आर बाइंडेड टू दी अर्थ बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी द मोशन ऑफ मून अराउंड द सन ये जो मोशन ऑफ मून होता है जो इस तरीके से चक्कर लगाता है अर्थ के ये किस वजह से लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगाता है सिमिलर वे में मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन इज आल्सो लाइक दैट कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा पा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और टाइड्स जो होती हैं दे आर ऑल्सो कॉज्ड बाई द मून एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ओके okay. अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन की मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं या चार हैं या एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं है ना तो इन सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी क्या लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी लेकिन मुझे पर्टिकुलरली इस वाले ऑब्जेक्ट पर देखना है कि बाकी ऑब्जेक्ट्स की वजह से कितनी फोर्स लग रही है तो मैं क्या करूंगी क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो इसका मतलब और ये फोर्स एक आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या होगा एक डायरेक्शन भी होगा तो ये जो है दिस बॉडी इज़ अट्रैक्टिंग इट विद ए फोर्स ऑफ एफ वन दिस बॉडी इज़ अट्रैक्टिंग इट विद ए फोर्स ऑफ एफ टू एंड दिस बॉडी इज अट्रैक्टिंग इट विद ए फोर्स ऑफ एफ थ्री तो मैं अगर इन तीनों फोर्स का क्या निकाल लूँ वैक्टर सम निकाल लेती हूँ इन तीनों फोर्सेज का वैक्टर सम निकाल लेती हूँ तो उससे मेरे पास इस ऑब्जेक्ट पे जो टोटल फोर्स है वो मुझे पता चल जाएगी तो इसी को निकालने को हम लोग बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेज है ना यानी कि आपने क्या करा है जो नेट फोर्स है वो निकाल रहे हैं बाकी की वजह से सो जैसे अगर आप देखें यहाँ पर ये यह हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ये दूसरा ये तीसरा ऑब्जेक्ट है मैं इस वाले ऑब्जेक्ट पर निकालना चाह रही हूँ तो इस पर एक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लग रही है एफ वन इस डायरेक्शन में इधर लग रही है एफ टू इस डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट आप निकालेंगे तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा यानी कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा सो इस तरीके से हम लोग जो है नेट फोर्स निकाल सकते हैं और इसी प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन नेक्स्ट है फ्री फॉल फ्री फॉल क्या चीज होती है कि देखिए अगर आप जो है केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के अलोन मतलब केवल और केवल जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी की वजह से ऑब्जेक्ट गिर रहा है तब हम उसे बोलते हैं फ्री फॉल यानी कि उस पर कोई और फोर्स नहीं है केवल और केवल एक ही फोर्स है जो कि अर्थ की वजह से है है ना अगर ऐसे केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो उसे हम बोलते हैं फ्री फॉल है ना तो यहाँ पर जो है आपके पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है आपको पता है फोर्स किसके बराबर होता है मास इन टू एक्सेलरेशन के बराबर होता है और हमने अभी देखा कि फोर्स किसके बराबर होता है कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है तो इन दोनों फोर्सेस को जब हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास ये जो ये ए होता है ये जी में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि ये क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हम इसको बस जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड दिस कम्स आउट टू बी जी एम अपॉन डी स्क्वायर है ना ये अगर हम डी ले लें ले, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ आर तो इट विल बी डी स्क्वायर तो दैट मीन्स इतने एक्सलरेशन से जो है ऑब्जेक्ट गिरेगा अब ये देखिए यहाँ पर ये कैपिटल एम जो होता है ये मास ऑफ द प्लेनेट यहाँ अर्थ के केस में मास ऑफ द अर्थ हो जाएगा तो दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है तो दैट मीन्स अगर हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट को एक साथ नीचे की तरफ गिराएंगे देन दे विल बी फॉलिंग डाउन विद द सेम एक्सेलरेशन अब उनका एक्सेलरेशन सेम है सो दैट मीन्स उनकी जो वेलोसिटी है वो क्या है आपकी कॉन्स्टेंटली बढ़ेगी यानी कि आपने जब गिराया तो उसकी वेलोसिटी जीरो थी व्हेन यू ड्रॉप डेट उसके एक सेकंड बाद नाइन पॉइंट एट हो जाएगी दो सेकंड बाद नाइन तीन पॉइंट सिक्स तीन सेकेंड बाद इस तरीके से जो है वेलोसिटी उसकी इंक्रीज करेगी ओके लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट रहेगा उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए और ये जो एक्सेलरेशन है इसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओके okay. और इसकी भी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो कि अक्सर पूछी गई है एग्जाम में वो ये है दैट इट डज नॉट दिस ये जो मोशन होता है ग्रेविटी के अंदर ये जो फ्री फॉल हो रहा है यहाँ पर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं आता है यानी कि अगर मैं एक एप्पल गिराती हूँ एक स्टोन गिराती हूँ और एक पेपर गिराती हूँ है ना तीनों चीज़ों को जब हम गिराएंगे तो तीनों चीज़ें जो हैं अर्थ पर एक ही साथ जाएंगी। आप कहेंगे कि पेपर तो नहीं जाएगा लेकिन वहाँ पर हम एयर रेजिस्टेंस है इसीलिए आपको ऐसा लगेगा लेकिन अगर हम वैक्यूम कर देंगे तो उस केस में ये तीनों चीज़ें जो हैं आपकी एक साथ अर्थ पर टकराएंगी। सो तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट जो है कितना छोटा है बड़ा है हॉलो है सॉलिड है कैसा है सब जो है एक ही रेट पर गिरेंगी ओके okay. अब ये जो हमारे पास जी की वैल्यू है ये वेरी भी करती है हम लोग नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो ले रहे हैं ये वेरी करती है तो किन किन चीज़ों पर ये डिपेंड करता है हाइट डेप्थ शेप रोटेशन इन सब बातों पर डिपेंड करता है जैसे एक जनरल आप देखिए अर्थ का जो शेप है वो इस तरीके से है यानी कि जैसे किसी ने ऊपर से पिचका दिया हो तो यानी कि ये जो इक्वेटर है यहाँ पर हमारे पास रेडियस क्या हो जाता है ज़्यादा हो जाता है एट दी इक्वेटर और रेडियस जो होता है पोल्स की तरफ वो हमारे पास कम हो जाता है तो हमने देखा था कि जी किसके बराबर है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर है तो अगर हमारा रेडियस ऑफ पोल कम है तो जी की वैल्यू जो है ज़्यादा हो जाएगी दैट मीन्स जी एट पोल्स विल बी ग्रेटर एंड कंपेरिजन टू दी एट इक्वेटर ओके तो दैट मीन्स कि आप देख सकते हैं कि शेप ऑफ दी अर्थ पर भी डिपेंड कर रहा है ठीक है अब ये देखते हैं हम हाइट पर कैसे डिपेंड करता है तो जैसे जैसे आप ऊंचे ऊंचाई पर जाते जाएंगे सपोज करिए आप इस तरीके से अर्थ से इतनी ऊंचाई पर आ गए हैं एच हाइट पर तो उस केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो चेंज हो जाएगा हम इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं लेकिन जो चेंज आएगा विल बी इक्वल्स टू क्या है है पर जो है हमारे पास हाइट है कि आप इतनी ऊंचाई पर उसे ले गए हैं ओके सो और ये जो आर है दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ सिमिलर वे में इफेक्ट ऑफ डेप्थ यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट को जो है अंदर की तरफ ले गए अर्थ आपने खो दी और फिर उधर नीचे ले गए उस केस में देखेंगे तब भी देर विल बी ए डिक्रीमेंट इन वैल्यू ऑफ द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो मतलब कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो आती है सरफेस ऑफ द अर्थ पर है ना इनसाइड अर्थ देखो बिल्कुल एकदम सेंटर ऑफ द अर्थ चले जाओगे तो जी की वैल्यू ज़ीरो होती है फिर जब जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस पर आ रहे हैं तो वो बढ़ रही है लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जा रहे हैं तो ये जो वैल्यू है जी की आपकी कम होती जा रही है सो so, इस तरीके से जो है वेरी करती है शेप का क्या फर्क पड़ता है जस्ट मैंने आपको बताया था कि रेडियस एट पोल ये जो है हमारा जो है कम होता है एज कम्पेयर टू दी इक्वेटर तो जी की वैल्यू पोल्स पर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इक्वेटर नाउ द इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल में अगर हम देखें तो देखिए जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो उधर इन, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है जीरो हो जाती है और यहाँ पर जो है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है हमने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एस इज इक्वल हाफ ए टी स्क्स टू यू स्क्स टू एस अब लेकिन जब कोई फ्री फॉल हो रहा होता है तो वहां पर ये जो ए होता है दिस इज रिप्लेस्ड बाय द जी अगर आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जी को नेगेटिव ले लीजिएगा अगर वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव ले लेनी है बस ओके एस जो है यानी कि डिस्टेंस होता है वो यहाँ पर क्योंकि आप ऊपर और नीचे की बात कर रहे हैं तो ये हाइट में कन्वर्ट हो जाता है सो दैट मीन हम बस एस की जगह क्या लिख देते हैं एच लिख देते हैं और ए की जगह जी लिख देते हैं और हमारे पास वही तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल बन जाती है बस इसी चीज का हमें ध्यान रखना है ओके दूसरी चीज अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से जाता है ऊपर मैक्सिमम हाइट अटेन करता है और फिर नीचे की तरफ आता है तो ये जो इधर मैक्सिमम हाइट पर होगी उसकी वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो सो ये कुछ पॉइंट्स हैं अगर आप इन चीज़ को ध्यान रखेंगे तो इन इक्वेशंस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर दी डिफरेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास मास वर्सेज वेट मास क्या होता है जो ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी क्वांटिटी है जो मैटर प्रेजेंट है उसको हम लोग मास बोलते हैं तो आप कहीं पर भी चले जाइए इस मास की वैल्यू जो है चेंज नहीं होती है लेकिन वेट की वैल्यू चेंज होती है क्योंकि वेट क्या होता है एक तरीके से, से फोर्स होती है ये हमारे पास क्या होती है फोर्स होती है तो ये मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मल्टीप्लीकेशन होता है जिसे हम वेट बोलते हैं ओके सो दैट मीन्स ये वेट है तो किस में मेजर होगा न्यूटन ये क्या है फोर्स है तो वेट जो है हमारा न्यूटन में मेजर होता है और मास जो है हमारा वो किलोग्राम में मेजर होता है ठीक है तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या है मास ऑफ ए बॉडी इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए यानी उसमें कितना मैटर है और वेट क्या बताता है इट इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो उस केस में हम वेट एम अर्थ लिखते हैं जो कि जनरली हम एम जी लेते हैं और जहां पर जी की वैल्यू हम नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं जनरली लेकिन अगर आप डिफरेंट प्लैनेट्स पर जाएंगे तो डिफरेंट जी की वैल्यू हो जाएगी तो उस केस में उस प्लैनेट पर जो जी की वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कर देंगे और आपको उधर के वेट की वैल्यू मिल जाती है मास क्या है आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास क्या है कोई डायरेक्शन नहीं होता है लेकिन वेट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं तो ये कैसी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है मास जो है कहीं पर भी चले जाइएगा चेंज नहीं होगा लेकिन जो वेट है वो चेंज होता है आपने देखा था कि जी की वैल्यू जो है पोल्स पर ज्यादा है एज कम्पेयर टू द जी एट इक्वेटर सो दैट मीन्स जो वेट होगा वो पोल्स पर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दैट एट द इक्वेटर मास जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता है लेकिन वेट जीरो हो सकता है आपने देखा था जो सेंटर ऑफ द अर्थ था वहाँ पर जी की वैल्यू जीरो थी तो वहाँ पर हमारे पास वेट की वैल्यू भी ज़ीरो हो सकती है ऐसा si यूनिट इधर किलोग्राम होती है और इधर ऐसा यूनिट आपके पास न्यूटन होती है सो दैट मीन्स अगर हम डिफरेंट प्लैनिट्स की बात कर रहे हैं तो सभी प्लानिट्स पर जो है जी की वैल्यू अलग होती है जैसे मरकरी पर देखिए थ्री पॉइंट सिक्स वन है वीनस पे एट पॉइंट एट थ्री है मार्स पे थ्री पॉइंट सेवन फाइव जुपिटर पर ट्वेंटी सिक्स है सो so इस तरीके से ये वैल्यूज आपको याद नहीं करनी है लेकिन ये चीज़ याद रख लेनी है दैट जी इज़ इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर तो उस प्लेनेट जिस भी प्लेनेट की आप बात कर रहे हैं उसका मास की वैल्यू रखिए उसके रेडियस की वैल्यू रखिए और स्मॉल जी की वैल्यू निकाल लीजिए और जो इधर दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये वाला पॉइंट है कि मून पर जो है वन बाय सिक्स होता है वेट ऑन एज दैट ऑफ द अर्थ यानी कि अगर आपका अर्थ पर जो वेट है वो है सिक्सटी न्यूटन है ना दिस इज द वेट ऑन दी अर्थ तो जो मून पर वेट हो जाएगा वो इसका वन बाय सिक्सथ हो जाएगा सो वन बाय सिक्स ऑफ सिक्सटी सो दैट मीन्स इट विल बी इक्वल्स टू टेन न्यूटन सो दैट मीन्स टेन न्यूटन हो जाएगा मून पर इफ अगर आपका वेट जो है अर्थ पर सिक्सटी न्यूटन है सो वन बाय सिक्स हो जाता है ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास थ्रस्ट थ्रस्ट के चीज़ें एक फोर्स ही है ये एक काइंड ऑफ फोर्स बस इसका डायरेक्शन अगर आप परपेंडिकुलर बोल रहे हैं तो उसे हम थ्रस्ट कह देंगे तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है न्यूटन होती है ओके okay. नाउ प्रेशर सो प्रेशर क्या चीज़ होती है इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू इट यानी कि थ्रस्ट को आप एरिया से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है प्रेशर आ रहा है यानी इसका क्या महत्व है कि देखो अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर बहुत जोर का लगेगा उई मा, और ओ माँ प्रेशर ज़्यादा कब सॉरी प्रेशर कब कम होगा जब एरिया ज़्यादा होगा तो यहाँ पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब आप इसे थम से लेकिन अगर यही ये चीज़ जो नोक है ये छुप जाएगी तो आपके पास प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि एरिया कम है है ना इधर आपने लगाया जब प्रेशर तो एरिया ज़्यादा था तो प्रेशर कम था लेकिन जब ये ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ पर आपने देखा कि इसके ये जो पॉइंटेड एंड है यहाँ पर एरिया कम होने के कारण जो है प्रेशर एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया इसीलिए अगर आप जब बैग टंगाते हैं तो आप उसमें देखते होंगे कि जो बैग की तनी होती है वो काफ़ी चौड़ी होती है इंस्टेड ऑफ पतली अगर पतली होगी तो उसका जो प्रेशर होगा क्योंकि एरिया कम होने के कारण आपके कंधों में दर्द हो जाएगा ठीक है इस प्रेशर को हम मेजर किस में करते हैं हम इसको मेजर करते हैं पास्कल में तो पास्कल जो है हमारा वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर आ जाता है क्योंकि फोर्स को हम

क्योंकि वहाँ पर हाइट जो है पानी की वो बढ़ती चली जाएगी जितना नीचे आप जाते जाएंगे उस पानी की हाइट बढ़ती चली जाएगी तो, तो दैट मीन्स जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जा रहा है अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आपके पास कुछ कंटेनर दे दिए जिनका बेस एरिया जो है डिफरेंट है है ना आपको ध्यान में आएगा कि प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है लेकिन जब हम प्रेशर इन फ्लूइड्स की बात करते हैं तो वहां पर बेस एरिया तो आता ही नहीं है उसका फॉर्मूला होता है एच रो जी रो क्या होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूड एच हाइट होता है और जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है तो इसे देखकर आप जिसका भी एरिया सबसे कम है आप बोल दोगे कि उसमें प्रेशर सबसे ज्यादा है लेकिन अगर उसमें फ्लूड सेम हाइट तक फिल है है ना फ्लूड जो है आपका सेम हाइट तक फिल है तो प्रेशर इन सभी कंटेनर्स में क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा इन सभी कंटेनर्स में प्रेशर हमारा सेम हो जाएगा तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है कि देखने से तो ऐसा लगेगा कि सबका एरिया डिफरेंट है तो प्रेशर भी डिफरेंट हो जाएगा लेकिन वो एच पर डिपेंड करेगा अगर हाइट सेम है तो प्रेशर भी सेम रहेगा ये हम फ्लूड्स की बात कर रहे हैं ठीक नेक्स्ट है बी ओ एन सी बी ओ एन सी क्या चीज़ है कि जब आप अपना इवन हाथ पानी में डालते हैं तो आपको एक अपवर्ड फोर्स महसूस होती है तो वो जो अपवर्ड फोर्स होती है उसी को हम लोग बोलते हैं बी ओके चाहे पार्शली इमर्स हो या फुल्ली इमर्स हो आपको अपवर्ड फोर्स महसूस होती है ठीक है और उसी को हम लोग बोलते हैं बी तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि कितना वॉल्यूम इमर्स्ड है उस ऑब्जेक्ट का कौन से फ्लूड में आप लोग डाल रहे हैं और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है क्या चीज़ ये जो हमारे पास बी फोर्स आती है ये चीज़ ओके okay. तो इसको मेजर करने का तरीका हमें आर्कमिडीज प्रिंसिपल ने दिया तो उन्होंने क्या करा कि एक आप जो है ऐसे स्प्रिंग बैलेंस लीजिए जिस पर आपने कुछ वेट लटकाया जो कि हमने जब मेजर करा तो फोर न्यूटन था फिर हमने एक बीकर में क्या करा एक फ्लूड भर लिया ठीक है यहाँ पर बिल्कुल जैसे ही इसमें कि ये ऑब्जेक्ट जाए तो ओवरफ्लो हो और ये वाटर जो है हम यहाँ पर कलेक्ट कर लें तो जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को हमने इसमें इमर्ज करा पूरा डिप कर दिया तो ये जो ओवरफ्लो वाटर था वो हमने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया तो हमने क्या पाया कि ये जो यहाँ पर वाटर कलेक्ट हुआ है इसका वेट कितना है थ्री न्यूटन है और यहाँ पर जिसका फोर था वो वन न्यूटन ही रह गए दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट पर जो है एक अपवर्ड फोर्स लगी है थ्री न्यूटन के बराबर ओके तो यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल बता रही है तो यानी कि ये जो ब्यू एंड फोर्स है वो कितनी हो गई हमारे पास थ्री न्यूटन हो गई तो ये हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं ये जो हमारे पास लिक्विड यहाँ पर कलेक्ट हुआ है उसके वेट से तो उसका वेट कितना इमर्स होगा? होगा. तो करा है उसका लीजिए और डेंसिटी जो है आपके पास जो फ्लूड है उसकी लीजिए सो दैट मीनस ये जो बीओ एंड फोर्स है दैट विल बी कमिंग आउट टू बी तरीके से हम लोग जो है बीओ एंड फोर्स को मेजर भी कर सकते हैं ओके okay, तो अब जो है अगर आ, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है अगर उसका वेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द बी एंड फोर्स तो वो क्या हो जाएगा सिंक हो जाएगा अगर उसका वेट बराबर है तो वो बिल्कुल ऐसे फ्लोट करेगा आ, मतलब बिल्कुल इमर्स होकर फ्लोट करेगा अगर उस पर जो है वेट कम है तो वो क्या करेगा इट विल फ्लोट इन दी वाटर ओके सो लॉ ऑफ फ्लोटेशन हमको और भी चीजें बताती है और वो क्या है डेंसिटी के बेसिस पर बताती है क्या कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो ज्यादा है फ्लूड से तो इट विल सिंक अगर उसकी डेंसिटी कम है देन इट विल बी फ्लोटिंग ऑन दैट फ्लूड ठीक है आपको देखने में लगेगा कि ये जो बोट है और ये जो नेल है दोनों ही आयरन के हैं लेकिन बोट जो है तैर जाती है और नेल जो है डूब जाता है तो यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन होता है इसका आर्किटेक्चर ऐसा बनाते हैं कि इसकी जो इफेक्टिव डेंसिटी है वो वाटर से कम हो जाए इसीलिए लिए ये जो बोट है ये इस पर फ्लोट कर जाती है वहीं आयरन नेल जो है इसमें डूब जाता है तो डेंसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये डेंसिटी क्या चीज़ होती है इट इज़ डिफाइंड एज दी मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कितना मास है कितने वॉल्यूम में तो गैशियस में देखिए कम मास होता है तो इधर डेंसिटी कम होती है वहीं सॉलिड में मास ज़्यादा होता है उसी वॉल्यूम में तो उधर डेंसिटी ज़्यादा होती है तो जनरली हम इसको कभी कभी डी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं सो so, है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम में जाता है और ऐसा यूनिट क्या होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में वॉल्यूम मीटर क्यूब में तो क्या बन जाती है इसकी ऐसे यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब वहीं अगर हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है कि आप किसी और सब्सटेंस के उसमें जो है मेजर कर रहे हैं रेफरेंस लेकर तो यहाँ पर जो हम रेफरेंस लेते हैं सब्सटेंस का वो हम लेते हैं वाटर सो दैट मींस कि आप किसी सब्सटेंस का जो है डेंसिटी मेजर कर रहे हैं विद रेफरेंस दैट ऑफ दी वाटर तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं सो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर विल गिव यू द रेलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ओके okay. अब क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज़ का रेशियो है तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है ना रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है लेकिन वहीं डेंसिटी की हमारे पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऐसा यूनिट थी ओके आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द सेटेलाइट सैटेलाइट क्या चीज़ होती है हमने देखा कि जो हमारे अर्थ के चारों तरफ घूम रही है इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं ये जो है आर्टिफिशल सेटेलाइट्स नेचुरल सैटेलाइट केवल और केवल एक मून ही है हमारे पास है ना तो ये जो सैटेलाइट हैं दीज आर दी दो सेलेल बॉडी विच आर रिवॉल्विंग अराउंड दी अर्थ हम उनको क्या बोलते हैं सेटेलाइट लेकिन अब वो क्योंकि हमारे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है तो इनकी वेलोसिटी कितनी होगी तो उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट तो ये सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करती है किस प्लेनेट के अराउंड ये जो है जा रही है उस पर डिपेंड करती है ओके सो दैट मीन्स दिस ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर एम क्या होता है मास ऑफ द प्लेनेट है ना यहाँ पर ये जो है हमारे पास क्या होता है मास ऑफ द प्लेनेट है ना और ये जो आर होता है कि ये सेंटर से उस प्लेनेट के सेंटर से कितनी दूर है सैटेलाइट इस बात पर डिपेंड करता है तो देट मीन्स हमारे को सैटेलाइट के मास से कोई लेना देना नहीं है फॉर दी ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ दी सैटेलाइट वहीं अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं कि इस सैटेलाइट को जो है इस तरीके से पूरा एक रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है तो दैट मीन्स उस ऑर्बिट का हम लोग क्या ले सकते हैं सरकम फ्रेंस ले लेते हैं उसको ऑर्बाइटर वेलोसिटी से डिवाइड कर दीजिए सो दैट मीन्स टू पाई आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट जी एम बाई आर तो उससे हमारे पास टाइम पीरियड आ जाता है दैट कम्स आउट टू बी टू पाई अंडर रूट में आर क्यूब अपॉन कैपिटल जी एम तो ये जो है टाइम पीरियड आ जाता है सेटेलाइट का यानी कि इतना टाइम लगेगा सेटेलाइट को टू कम्प्लीट वन रेवोल्यूशन तो ये जो रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड पाया जाता है, वो है के, के, so minutes, अगर वो क्लोज है सरफेस के अर्थ के सो इट इज़ फाउंड टू बी अराउंड एट्टी फोर पॉइंट सिक्स अगर वो क्लोज है यानी डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा कि कितनी दुराई पर है वो ओके okay? तो कितनी दुराई पर है वो ये चीज़ हम लोग कैसे निकालते हैं हाइट ऑफ द सैटेलाइट अब द अर्थ सरफेस है ना अब हम अर्थ सरफेस से निकालेंगे पर ये जो हम स्मॉल आर लिख रहे थे दैट डिस्टेंस वी आर टेकिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ अब अगर हम अर्थ सरफेस पर निकालेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो एच है दिस विल बी या ये जो आर है दिस विल बी इक्वल्स टू कैपिटल आर प्लस एच है ना ये हमारे पास रेडियस हो गया प्लेनेट का और एच कितनी ऊंचाई पर है फ्रॉम दी सरफेस ऑफ द अर्थ ओके सो हमारे पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था हमने उसको स्क्वायर कर दिया और रीअरेंज करके निकाल लिया कि इतनी ऊँचाई पर वो हमारे पास सैटेलाइट है ओके okay. वहाँ पर अगर हम देखें जियो स्टेशनरी सेटेलाइट वो सैटेलाइट जहा जिनका जो टाइम पीरियड है वो ट्वेंटी फोर आवर्स का होता है अर्थ के रेस्पेक्ट में क्योंकि वो रेस्ट पर होती हैं तो उनका टाइम पीरियड होता है ट्वेंटी फोर आवर्स तो कितनी ऊंचाई पर अर्थ सरफेस से होनी चाहिए सो दे शुड बी एट हाइट ऑफ दी थ्री फाइव नाइन थ्री जीरो किलोमीटर इतनी ऊंचाई पर अगर वो सैटेलाइट होगी तो वो स, जो है हमारी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में आ जाएगी वी विल डिस्कस अबाउट दी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ऑल्सो सो वॉट इज दिस जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जियो स्टेशनरी सेटेलाइट वो है जो मतलब स्टेशनरी है विद रेस्पेक्ट टू द अर्थ कि अब जैसे ये अर्थ हमारी रोटेट कर रही है तो उसी पोजीशन पर उसके साथ साथ इस तरीके से वो भी यहाँ पर रिवॉल्व करेंगी यानी कि या आपकी अर्थ है ये इस तरीके से जा रही है तो ये जो सैटेलाइट है ये भी इसी के साथ साथ इस तरीके से घूमेंगी तो ऐसा लगेगा कि इसकी एक ही पोजिशन पर वो फिक्स है ओके लेकिन वो क्या कर रही है रिवॉल्व कर रही है तो वो कंपेरिजन कर रहे हैं हम कि उसके रेस्पेक्ट में वो आ, स्टेशनरी है इसीलिए हम इस वाली सैटेलाइट को बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अब अर्थ का जो है आपको पता है रोटेशन का टाइम होता है ट्वेंटी फोर आवर तो दैट मीन्स जो टाइम पीरियड होगा फॉर द रेवोल्यूशन ऑफ दी दैट सैटेलाइट जियो स्टेशनरी दिस शुड बी ऑल्सो इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर आवर है ना सो so इसीलिए जो टाइम पीरियड होता है दैट इज द ट्वेंटी फोर आवर अब ये जो है केवल एक पोर्शन को कवर करती है और अगर हमें पूरे अर्थ को कवर करना है तो हम ऐसी तीन सैटेलाइट्स तीन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स लगा देते हैं जिससे कि हमारी पूरी अर्थ जो है कवर हो जाती है ओके अब इसके लिए क्या-क्या एसेंशियल कंडीशंस होती हैं जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के लिए हमने मेजर करा था कि एप्रोक्सीमेटली इतनी ऊंचाई पर जो है वो होनी चाहिए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट उसका टाइम पीरियड भी कितना होना चाहिए 24 आवर तभी आप उसे ये चीज कहेंगे

रिवॉल्व करना है सो दीज आर द फ्यू कंडीशन फॉर द जियो स्टेशनरी सेटेलाइट ओके नेक्स्ट इज द पोलर सेटेलाइट पोलर सेटेलाइट क्या होती हैं जैसे हमारे पास जो इक्वेटोरियल uh, प्लेन हो गया अगर हम uh, जो पोलर प्लेन uh, ले लेंगे तो उस पर जो आपकी सेटेलाइट रिवॉल्व कर रही हैं उन्हें हम बोलते हैं पोलर सेटेलाइट ओके सो दे रिवॉल्व इन पोलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ और पोलर ऑर्बिट कौन सा होता है जिसका इक्वेटोरियल प्लेन से 90 डिग्री का एंगल हो यानी कि इस या जियो नेक्स्ट है एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट देखिए जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं हम तो उसको इतनी वेलोसिटी चाहिए कि वो हमारी जो अर्थ का जो बाइंडिंग एनर्जी जो मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको पास कर जाए यानी उससे निकल जाए ताकि वो दोबारा से लौट कर वापस ना आए तो वो मिनिमम वेलोसिटी होती है इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड फॉर दी अर्थ है ना तो वो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड अगर इतनी वेलोसिटी से अगर आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो कराए देन इट विल बी एस्केप्ड अदरवाइज वो वापस लौट कर आ जाएगी चीज ओके नेक्स्ट इज वेटलेसनेस वेटलेसनेस क्या होता है जैसे आपको पता है वेट का फॉर्मूला होता है एम जी है ना अगर जी की वैल्यू आपकी जीरो हो जाती है तो वेट भी कितना हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा तो यानी कि ऐसा लगेगा कि कोई इफेक्टिव वेट है ही नहीं है ना किसी भी बॉडी का तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं ऐसे कंडीशंस को बोलते हैं ऐसे सरकम को हम बोल रहे हैं वेटलेसनेस है ना तो जब आ, आप अगर सेंटर ऑफ अर्थ पर चले जाएंगे तब ये फील होगा या फ्री फॉलिंग लिफ्ट होगी तब ये आपको फील हो सकता है या आप किसी सैटेलाइट यानी ये जो एस्ट्रोनोट्स जाते हैं उनको भी वेटलेसनेस फील होती है ओके नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ प्लेनेटरी मोशन देखो पहले क्या होता था पहले जो है अर्थ को जो है सेंटर माना जाता था ऑफ दिस सोलर सिस्टम लेकिन बाद में जो है सन को सेंटर माना गया था है ना सो दिस फर्स्ट ऑथोरिटिव वर्क इज रिगार्डिंग डन बाय दी द्लोटमी ये जो है इन्होंने क्या बोला था कि और इनकी थ्योरी को हम लोग बोलते हैं जियो सेंट्रिक थ्योरी ऑफ द प्लेनेटरी मोशन यानी कि इनके मुताबिक क्या था कि अर्थ जो है सेंटर है और जो सन वगैरह हैं ये अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं लेकिन बाद में जो है आर्यभट्ट ने ये कंक्लूड करा था कि नहीं ये जो है ऐसे नहीं एक्सप्लेन हो सकते हैं, सोलर एक्लिप्स और लूनर तो उन्होंने जो है कहा था दैट द द द सन सन इज सेंटर एंड रेस्ट ऑफ थिंग्स आर रिवॉल्विंग अराउंड ओके लेकिन ये आइडिया उनका ज्यादा जो है प्रोपोगेट नहीं कर पाया था तो 1543 में जब कॉपर निकस ने कहा कि नहीं नहीं ये सन सेंटर्ड बात है कि सन सेंटर है हमारा बाकी सब जो है आपका अ उसके चारों तरफ घूम रही बॉडीज़ ठीक है उस समय भी ये चीज़ चल रही थी लेकिन जब गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट से जब ये बात और प्रूव कर दी तब जाके फिर गैलीलियो का मानने लगे कि हाँ जी गैलीलियो ने इस बात को कहा है कि सन जो है सेंटर है और आ, बाकी चीज़ें इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही हैं ठीक है उसके बाद कैपलर्स ने और इस पर चर्चा करी और उन्होंने तीन लॉज दी हमारी जिन्हें हम बोलते हैं कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन तो कौन कौन सी तीन लॉज हैं हमारे पास लॉ ऑफ ऑर्बिट लॉ ऑफ एरिया एंड लॉ ऑफ पीरियड तो लॉ ऑफ ऑर्बिट बताती है हमको कि ये जो ऑर्बिट है प्लेनेट का जो सन के चारों तरफ है तो वो कैसा है शेप में इलिप्टिकल शेप में है, है ना एक तो ये बात बताई अब क्योंकि एलिप्स का जो है आपके पास दो फोकस होते हैं ठीक है तो उसमें से एक फोकस पे आपका सन होगा है ना और उस इलेप्टिकल uh, ऑर्बिट में जो है चारों तरफ प्लेनेट जो है रिवॉल्व करेंगे दूसरी लॉ बताई थी दैट इज द लॉ ऑफ एरिया लॉ ऑफ एरिया क्या बताती है दैट इट विल स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या हम कह सकते हैं एरियल वेलोसिटी जो है हमारी कॉन्स्टेंट होती है अब इसका क्या मतलब है कि देखो सपोज करो ये ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो ना ये ऐसे एकदम से यहाँ पे बहुत तेजी से भाग रही है अर्थ क्यों भाग रही है देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मुझे टी वन टाइम लगा सपोज करिए और वहीं मैं यहाँ पर जो है उसी टाइम में टी वन टाइम में इतने से इतना पहुंच रही हूँ तो क्या कितना एरिया इसने स्वीप करा इसने टी वन टाइम में यहाँ पर इतना एरिया स्वीप करा और यहाँ पर ये इतना एरिया स्वीप करा तो ये वाला जो एरिया है मैं इसे सपोज कह रही हूँ ए वन और ये वाला जो एरिया है इसे मैं कह रही हूँ ए टू ठीक है तो ये जो ए वन है और ए टू है, है ना ये ए वन और ए टू जो है हमारे बराबर होंगे इफ टी वन एंड टी टू आर इक्वल है ना अगर टी वन और टी टू हमारे बराबर हैं तो ए वन और ए टू बराबर होंगे और इसी चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं कि एरियल वेलोसिटी क्या है हमारी कॉन्स्टेंट है यानी कि इसने जो है इक्वल एरिया स्वीप करा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सो दिस इज़ दी सेकेंड लॉ कैपलर सेकेंड लॉ और लॉ ऑफ एरिया नेक्स्ट होती है हमारे पास कैपलर थर्ड लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड भी अब ये लॉ ऑफ पीरियड क्या बताती है कि हमने ये देखा फर्स्ट वाली लॉ में कि ये जो है एलिप्टिकल uh, शेप में है अब एलिप्स में है, जो है हमारे पास क्या होता है एक मेजर एक्सेस होती है और एक माइनर एक्सेस होती है तो ये वाली जो एक्सेस होगी जो बड़ी वाली एक्सेस होगी उसे हम बोलते हैं मेजर एक्सेस और जो छोटी वाली एक्सेस होती है उसे हम बोलते हैं माइनर एक्सेस ठीक है तो मेजर एक्सेस का अगर हम आधा कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सेस उसे हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सेस तो अगर हम सेमी मेजर एक्सेस को ए ले रहे हैं सपोज करिए तो ये जो सेमी मेजर एक्सेस यहाँ पर हमारे पास दो प्लैनेट्स हैं तो एक का प्लेनेट का जो है ए वन है सेमी मेजर एक्सिस और एक प्लेनेट के लिए सेमी मेजर एक्सिस है अब इनका जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा so, t2 है ना? अगर हम टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट प्लेनेट बात कर रहे हैं सो ए वन क्यूब टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड प्लेनेट बात कर रहे हैं वन, विल उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रपोर्शनल का साइन हटाना है डिवाइड कर दो तो ये यह यहाँ पर हमारे पास इक्वल टू में आ जाता है सो टी वन स्क्वायर अपॉन टी टू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए वन क्यूब अपॉन ए टू क्यूब सो इस तरीके से हम लोगों को जो है टाइम पीरियड और सेमी मतलब जो रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड है उसका रिलेशन मिल जाता है सेम मेजर एक्सेस यानी कि अगर हमने सेम मेजर के एक्सेस कैलकुलेट कर ली तो हम लोग टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं कि भाई इसको इतना टाइम लगेगा और प्लेनेट को ए रेवोल्यूशन का ठीक है सो आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू अगर इसी तरीके के लेक्चर्स आप हमारे वन शॉट वीडियो में देखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं ओके नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप जो है लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप और हमारे वेरियस कोर्सेज में जो है एनरोल हो सकते हैं अगर आप एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उस कोर्स में भी सेम लिंक से आप जो है एनरोल कर सकते हैं यहाँ पर लाइव क्लासेस कराई जाती हैं जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके आपको डिटेल में सब चीज़ें समझ में आए कि इंटरव्यू आप कैसे अच्छा कर सकते हैं अगर आप इन सभी कोर्सेज पर जो है एक्स्ट्रा टेन परसेंट का डिस्काउंट चाहते हैं तो हमारा कोड वॉरियर टेन यूज करना ना भूलें जिससे कि आपको एक्स्ट्रा टेन परसेंट जो है डिस्काउंट मिल जाए सभी कोर्सेज पर